हर सिंगार के फूल। हल्द्वानी शहर में शाम घिर चुकी थी। बस स्टैंड के पीले लैंप पोस्ट एक एक करके जलने लगे थे। मुसाफिरों और मूंगफली बेचने वालों के शोर के बीच पद्मा ने सामने आकर रुकी बस के कंडक्टर की आवाज को ध्यान से सुना। रानीखेत, रानीखेत, रानीखेत। हाँ, रानीखेत के लिए ही आवाज लगा रहा था वो। पद्मा ने बस के सामने वाले शीशे पे लगी पट्टी को पढ़ा। RANI। बाकी अक्षर साफ नहीं दिखे थे। खैर, उसने अपने दोनों बैग उठाए और बस में चढ़ गई। वो एक बार फिर अकेले हो जाने पर दुखी थी, लेकिन खुश भी थी कि अब वो इस बड़ी सी दुनिया में अपने लिए एक घर बना पाएगी। उसका घर जहां कोई वार्डन नहीं, कोई रूममेट्स नहीं, सिर्फ उसके नियम कायदे होंगे, जहां उसकी मर्जी से सब होगा। 3 साल की उम्र में ही अनाथालय पहुंचा दी जाने वाली पद्मा के पास अपना कहने को माँ बाप का दिया एक नाम ही था, लेकिन उसे भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसे यकीन था कि कोई ताकत है जो हमेशा उसके साथ है, जो हर मुश्किल में उसका साथ देती आई है और आगे भी देगी। 20 साल तक अनाथालय में रहने के बाद पद्मा पहली बार अकेले सफर पे जा रही थी। रानीखेत के एक स्कूल में उसको लाइब्रेरियन की नौकरी मिल गई थी। थोड़ी ही देर में बस लगभग पूरी भर गई। ढलती शाम की ठंडी हवा कुछ देर तो पद्मा को अच्छी लगी, लेकिन फिर उसने बैग से शॉल निकाल लिया। बैग वापस रखकर वो बैठी ही थी कि बस चल पड़ी, लेकिन तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा। माफ कीजिएगा, ये मेरी सीट है, गैलरी में खड़े शख्स ने उससे ही कहा था। औसत से काफी ऊंचे कद के उस आदमी का चेहरा उसको साफ नहीं दिखा था। खैर, उसने बिना कुछ कहे सीट छोड़ दी। अभी बाहर पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन बस में एक अजीब सी धुन थी, जैसे अगरबत्ती का धुआं फैला हो। सिर्फ धुआं नहीं, खुशबू भी, हर सिंगार की खुशबू। उसे यह खुशबू हमेशा से पसंद थी। वो खामोशी से उस आदमी के बगल वाली सीट पर बैठ गई। मेरा नाम राघव है, मैं पिछले 20 सालों से इसी सीट पर बैठता आया हूँ, उस आदमी ने अचानक कहा। खुद 25-30 से ज्यादा का नहीं था वो। पद्मा को उसकी बात अटपटी सी लगी। उसने पलट के उस आदमी को देखा। उसकी भूरी आंखें अंधेरे में चमकी थीं। उसे पहले कभी नहीं देखा था पद्मा ने, लेकिन अजीब था कि उसको ये आंखें पहचानी सी लगी। कहां देखा है मैंने इसको, पद्मा ने दिमाग पर जोर डाला। अनाथालय की लड़कियों के लड़कों से मिलने के मौके कम ही होते हैं। उसने सीट पर सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। उसे याद आया कि ये आंखें उसने कहां देखी थी। हाँ, आईने में। बस चलने के कुछ देर बाद बाकी मुसाफिरों की तरह पद्मा भी सो गई थी। बीच में एक दो बार उसकी आंख खुली भी, लेकिन हल्की सर्दी में शॉल की गर्मी, रात का सफर और नींद का नशा कुछ ऐसा था कि वो कलाई पे बंधी घड़ी भी नहीं देख पाई थी। वैसे भी रानीखेत आखिरी स्टॉप था, तो बस वहां जाकर रुकनी ही थी। सो उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि कहीं और नहीं ले जाएगी बस। जब उसकी नींद खुली तो बस रुकी हुई थी और उसका सर अपने साथ वाले मुसाफिर के कंधे पर था। इतनी सुकून की नींद कभी आई नहीं थी उसको। माफी मांगते हुए वो उठ खड़ी हुई। बस में सिर्फ राघव और पद्मा ही थे, सारे मुसाफिर जा चुके थे, यहाँ तक कि ड्राइवर और कंडक्टर भी। बाहर अब भी अंधेरा था, लेकिन सुबह से ठीक पहले वाला नीला अंधेरा। घबराई हुई पद्मा ने कलाई घड़ी पर नजर डाली तो वो और भी घबरा गई। सुबह के 3 बज रहे थे। कब से खड़ी है बस, किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं, घबराई हुई पद्मा चारों तरफ देखते हुए बोली। ज्यादा देर नहीं हुई बस को यहाँ पहुंचे, तुम सो रही थी तो मैंने तुमको सोने दिया, राघव ने उसका सामान उतारते हुए कहा। एक छोटा सा उजाड़ बस स्टैंड था। खपरेल का टूटा फूटा शेड, कुछ सीमेंट की बेंचें, एक छोटा सा गुमटी नुमा कमरा और उसकी दीवार पर टिमटिमाता पीली रोशनी वाला बल्ब। उस बस स्टैंड के नाम पर बस यही था। कमरे के बाहर टंगे बोर्ड पर लिखा हुआ था रानी बाग खुर्द। अब पद्मा वाकई हैरान थी। वो तो रानी खेत की बस में चढ़ी थी, पर रानी बाग कैसे पहुंच गई, इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था उसको। बस स्टैंड के आसपास बस पहाड़ थे, उन पहाड़ों में बस्तियां कितनी दूर होंगी कह पाना मुश्किल था। ठंड भी काफी थी, पद्मा का शॉल भी अब उसको गर्म नहीं रख पा रहा था।
अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए और फिर फूंक मारकर उनको गर्म करते हुए पद्मा राघव की तरफ मुड़ी। लेकिन ये क्या, राघव भी वहां नहीं था। पद्मा के दोनों बैग जिनको राघव ने उठाया हुआ था वो वहीं रखे थे, लेकिन वो खुद गायब था। डर, ठंड और घबराहट से पद्मा की धड़कनें बढ़ गई थी, बदन से जैसे जान ही निकल गई थी। उसने चिल्ला के राघव को पुकारने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। गलत जगह पहुंच जाने से ज्यादा डर उसको राघव के अचानक गुम हो जाने पे लगा था। राघव था तो उस अकेली लड़की को न जाने क्यों एक तसल्ली सी हो गई थी कि वो है तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके अचानक चले जाने से वो खुद को बहुत अकेला पा रही थी। अचानक से राघव उसे जिंदगी की सबसे जरूरी चीज लगने लगा था। इससे पहले कि घबराई हुई पद्मा ये तय कर पाती कि इतनी रात को अकेले वो क्या करे, कहां जाए, हाथों में चाय के दो प्याले लिए राघव उसको अपनी ओर आता दिख गया। इतनी ठंड में न जाने कौन सी चाय की दुकान मिल गई थी उसको। खैर, उसे देख के अजीब सी खुशी हुई थी पद्मा को। वो सुनसान जगह पर अकेलेपन से बच जाने का सुकून था या राघव के वजूद में कुछ ऐसा था कि पद्मा को उसका होना तसल्ली दे रहा था, पद्मा ठीक से नहीं कह सकती थी। लेकिन अब वो उतनी डरी हुई नहीं थी जितना उन हालात में पहली बार अकेले सफर पे निकले इंसान को डरना चाहिए था। मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, चल के वहां आराम कर लो। सुबह 9 बजे यहाँ से पहली गाड़ी निकलेगी, उससे वापस चली जाना, राघव ने लगभग हुक्म देते हुए कहा था। एक अनजान जगह पर एक अनजान आदमी के साथ जाने की सोचकर ही उसको डरना चाहिए था, लेकिन उसने राघव की बात को ऐसे मान लिया जैसे राघव के घर जाने के लिए ही वो यहाँ तक आई थी। चाय खत्म करके राघव पद्मा का बैग उठाकर बस स्टैंड से बाहर निकल गया। कुछ खोई हुई, कुछ उनींदी सी पद्मा उसके पीछे हो ली। अब तक की जिंदगी में एक रात भी उसने अनाथालय के बाहर नहीं बिताई थी और अब पहली बार बाहर निकलते ही सब कुछ अजीब सा हो रहा था उसके साथ। सही कहती थी वार्डन मिस, बाहर की दुनिया बहुत अलग है, पद्मा ने सोचा। बस स्टैंड से सटा हुआ एक पहाड़ी रास्ता नीचे की ओर जा रहा था। सुबह से पहले के नीले अंधेरे में अब पद्मा की आंखें ठीक से देख पा रही थी। उस पथरीले संकरे रास्ते पर राघव आराम से उतरता जा रहा था जबकि पद्मा को काफी परेशानी हो रही थी। लगभग 15-20 मिनट छोटी छोटी पहाड़ियों के चक्कर काटने के बाद वो एक छोटे से घर के सामने जा पहुंचे। काई लगी टीन की छत वाला पुराना 2 मंजिला घर जिसके सामने पत्थरों से बना आंगन था, एक पत्थर की बेंच और उसके दोनों तरफ शायद बागीचा रहा होगा जो अब बेतरतीब पेड़ों और झाड़ियों से भर गया था। देखकर लगा कि सालों से यहां कोई नहीं रहता। सारी रात सोने के बावजूद पद्मा की आंखें नींद के बोझ से झुकी जा रही थीं। एक अजीब सा नशा था। राघव ने अपनी जेब से एक पुरानी जंग लगी चाबी निकालकर दरवाजा खोला। काफी सन्नाटा था, इतनी खामोशी के आंगन के आसपास खड़े पेड़ों पर गिरती ओस की आवाज भी उसको सुनाई दे रही थी। न जाने क्यों ऐसा लगा था उसे कि इस जगह, इस आवाज को पहचानती थी वो। शायद किसी सपने में देखा था ये सब उसने। घर के भीतर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन राघव को पता था कि क्या कहां है। उसने अंधेरे में ही तलाश करके लालटेन जला दी। उजाला हुआ तो पद्मा ने नींद भरी आंखों से घर को एक नजर देखा। फर्नीचर पर चादरें पड़ी हुई थीं और सारे सामान पर धूल की मोटी परतें थीं, लेकिन फिर भी घर के भीतर वैसी गंध नहीं थी जो सालों से बंद पड़े घर में आनी चाहिए थी। एक अजीब सी खुशबू थी, हर सिंगार की खुशबू जैसी, जैसी बस में आ रही थी। राघव ने अंदर वाले कमरे में पद्मा के लिए एक बिस्तर तैयार कर दिया और वो बिना सवाल जवाब किए सोने चली गई। आंख बंद करते ही उसको नींद आ गई। सोकर उठी तो सूरज की रोशनी खिड़की पर पड़े मोटे पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। सबसे पहले उसकी नजर सामने दीवार पर लगी एक उल्टी तस्वीर पर गई। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। आंखों को हथेलियों से मलते हुए उसने खुद को नींद के असर से बाहर निकाला। थोड़ी देर में उसे सब कुछ याद आ गया कि वो कल गलत बस में बैठकर किसी अजनबी जगह पर किसी अनजान आदमी के घर में आके रुकी थी। उसे याद आया कि 9 बजे उसे बस पकड़नी थी। कलाई घड़ी पर नजर डाली तो देखा अभी 7 ही बजे थे। उसने बिस्तर से उतरकर राघव को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
उसने पूरे घर में उसको तलाशा। ऊपर के कमरों के सारे दरवाजे खुले हुए थे। किचन में ताजा दूध, सेब और अंडे थे और हर सिंगार के कुछ फूल भी थे, लेकिन राघव कहीं नहीं था। पद्मा ने बाहर आकर देखा तो वहां भी नहीं था। बाहर पेड़ों पर गिरी ओस पर सूरज की किरणें सितारों की तरह चमक रही थीं। न जाने क्यों इस जगह से उसको कुछ अपनापन सा लग रहा था। लेकिन ये राघव कहाँ था? घर के बगल में एक पतली सी पहाड़ी नदी थी, जिसके साथ चलता रास्ता अंदर घाटी की तरफ जा रहा था। रास्ते पर वही हर सिंगार के फूल थे जो किचन में रखे थे। उसे लगा जैसे उसे रास्ता दिखाने के लिए ये फूल वहां गिराए गए थे। थोड़ा अंदर जाने पर एक झोपड़ी नुमा घर दिखाई दिया, लेकिन घर जितना पास दिखा था उससे कहीं ज्यादा वक्त लगा था उसे वहां पहुंचने में। पहाड़ी रास्ते ऐसे ही होते हैं। उसकी सांस फूल गई थी चलते चलते। उसने दरवाजा खटखटाया तो मैली सी धोती, कुर्ता और सदरी पहने कांपते हाथों वाले एक बुजुर्ग ने दरवाजा खोला। उनकी उम्र 100 से कम रही होगी या ज्यादा, ये कहना मुश्किल था। पद्मा को देखते ही उनके पोपले चेहरे की झुर्रियां हैरानी में खिंच गई थीं। उनकी पीली पड़ चुकी आंखें जैसे कह रही थीं कि उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया था जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी। पद्मा ने उन बुजुर्ग को समझाया कि वो अनाथालय से रानीखेत जाने के लिए निकली थी और यहाँ पहुंच गई, और जो राघव उसे यहाँ लाया था वो न जाने कहाँ चला गया था। लेकिन वो बुजुर्ग तो जैसे उसकी बात अनसुनी कर उसको बस देखे जा रहे थे। पद्मा को बहुत अजीब लगा। उसने एक बार फिर उनको अपनी बात समझाने की कोशिश की। दादा, आपको पता है राघव कहाँ है? उसने लगभग झुंझलाते हुए पूछा। राघव को मरे दसियों साल हो गए बेटा, पर कभी कभी उस पार गए हुए लोग लौट भी आते हैं बचे हुए काम निपटाने। उन बुजुर्ग ने दूर पहाड़ की तरफ देखते हुए कहा तो पद्मा थक कर पीछे हट गई। उसे लगा था कि शायद ये बुजुर्ग बुढ़ापे में अपना दिमाग खो बैठे हैं। कह रहे हैं राघव को मरे दसियों साल हो गए, जबकि वो अभी कुछ घंटों पहले ही उसके साथ थी। वो वापस घर लौट आई। आसपास कोई और मकान था भी नहीं। वापस लौटकर उसने पूरे घर का मुआयना किया। नीचे के तले में किचन और हॉल के अलावा दो और कमरे थे, एक जिनमें वो सोई थी और दूसरा एक और बेडरूम जिसमें ना के बराबर सामान था। ऊपर के कमरों में एक लाइब्रेरी नुमा कमरा था और दूसरा शायद स्टोर रूम था। उसमें पुराने पीतल के बर्तन, बिस्तरों और लिहाफों के अलावा कुछ पुराने लोहे के ट्रंक पड़े थे। उसने गौर किया कि घर में कोई तस्वीर नहीं थी। फिर उसे याद आया कि जिस कमरे में वो सोई थी उस कमरे में एक तस्वीर थी जिसे उल्टा कर दिया गया था। वो लगभग दौड़ के नीचे आई और तस्वीर को सीधा किया। तस्वीर में राघव था और दूल्हे के कपड़ों में और दुल्हन के जोड़े में जो लड़की थी वो बिल्कुल पद्मा जैसी दिख रही थी। ये कैसे हो सकता है? पद्मा हैरान थी। लग रहा था जैसे कोई पुनर्जन्म वाली फिल्म देख रही हो। थोड़ी देर के लिए डर भी लगा था उसको। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? अच्छी भली रानीखेत जाने को निकली थी वो, लेकिन अब इस सब के बारे में सोचना फजूल था। वो राघव को नजरअंदाज करके तो निकल सकती थी, लेकिन तस्वीर में उसके जैसी दिखने वाली लड़की कौन थी? उसे ये जानना था। क्या वो उसकी खोई हुई माँ थी या उसकी कोई बहन? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पद्मा भूल चुकी थी कि उसको रानीखेत जाना था, उसे नई नौकरी ज्वाइन करनी थी। यहाँ जो कुछ हो रहा था वो उसकी सोच से बाहर का था, लेकिन बेशक नौकरी से कहीं ज्यादा मायने रखता था। और ये राघव कौन था और वो चला कहाँ गया? सैकड़ों सवाल पद्मा के जहन में उभर रहे थे। वो कौन थी? उसका परिवार कहाँ था? उसकी पहचान कहाँ थी? ये सवाल हमेशा से उसको परेशान करते रहे थे, इन अजीब हालात में ही सही, लेकिन आज उसको इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद दिखने लगी थी। पद्मा ने घर की हर वो जगह तलाश की जहां राघव और तस्वीर वाली लड़की से जुड़ी कोई भी जानकारी मिल सकती थी। ऊपर के कमरे में ढेर सारी धूल भरी किताबें और फाइलें थीं। एक पीली फाइल पर लिखा था, गौरा उनियाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, रानीबाग खुर्द, और एक नारंगी फाइल पर, राघव उनियाल, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट हाई स्कूल, रानीबाग खुर्द। 20-22 साल पुरानी फाइलें थीं। पद्मा ने बाकी फाइलें खोली। एक फाइल में बर्थ सर्टिफिकेट था उसके अपने नाम का।
वैक्सीनेशन के कागज थे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन थे। पद्मा ने तेज धड़कते दिल को काबू में रखते हुए वो सर्टिफिकेट उठा लिया। पद्मा उनियाल, डॉटर ऑफ गौरा एंड राघव उनियाल, उसने जोर जोर से पढ़ा। यानी वो उसके माँ बाप थे, वो अपने घर पर थी। पहली बार अपना नाम अपने माँ बाप के नाम के साथ पढ़ने पर उसे वो अल्फाज जज्बात से खाली किसी खबर जैसे लगे थे। उसने बार बार दोहराया, पद्मा उनियाल, डॉटर ऑफ गौरा एंड राघव उनियाल, और तब तक दोहराती रही जब तक सालों से उसके भीतर जमा सारा अकेलापन, अपनी पहचान के सारे सवाल एक सैलाब की तरह उसकी आंखों में नहीं उतर आए। वो फूट फूट के रो पड़ी। कुछ देर बाद जब वो संभली तो आंसू पहुंच कर बाकी फाइल्स देखी। कुछ फाइलों में गौरा और राघव के काम से जुड़े कागजात थे, फिर एक फाइल में अखबार की कुछ कतरने थी किसी रोड एक्सीडेंट के बारे में। एक एक करके वो सारी कतरने पड़ गई। आ तो यहां छुपा था उसकी जिंदगी का राज। 20 साल पहले हल्द्वानी से रानीबाग खुर्द जा रही एक रोडवेज बस के एक्सीडेंट में राघव की मौत हो गई थी, और उसी एक्सीडेंट में उनकी बच्ची पद्मा यानी वो कहीं गुम हो गई थी। अखबारों के मुताबिक पद्मा को तलाशने की काफी कोशिश की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। वो बुजुर्ग सच कह रहे थे, यानी राघव मतलब पापा मुझे घर लौटाने आए थे, उसने मान लिया था। वो एक बार फिर उन बुजुर्ग की झोपड़ी पर पहुंची कि शायद वो बता सके कि उसकी माँ कहाँ है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गवर्नमेंट हाई स्कूल जाकर गौरा उनियाल के बारे में पता किया तो उन्होंने बताया कि वो सालों पहले नौकरी छोड़कर कहीं चली गई थी। उनका नया एड्रेस उनके पास नहीं था लेकिन उन्होंने पद्मा से वादा किया था कि वो जल्दी ही पता करके उनको बता देंगे। दिन भर यहां वहां दौड़ने के बाद जब पद्मा घर वापस लौटी तो बहुत थक चुकी थी। सब कुछ वापस पाकर भी उसके हाथ खाली थे। आंगन में घुसते वक्त अकेलापन उसको घेरने को ही था कि उसे पत्थर की बेंच पर रखे हर सिंगार के फूल नजर आए। शाम का ढलता सूरज उसकी आंखों में चमक उठा। उसे फिर से लगा था कि वो अकेली नहीं थी। उसे यकीन था कि जो ताकत उसको यहां तक ले आई थी वही ताकत उसकी मां को भी उसके पास जरूर लेके आएगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।